हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि डीप नेक ब्लाउज कटिंग करने के टाइम आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं जब भी डीप नेक ब्लाउज की कटिंग हम करते हैं तो हमारा जो गला है वो उतरता है, या तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो आर्म होल का साइड होता है उसमें बहुत ज्यादा झोल आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो डीप नेक में, उसके लिए आपको किस तरह से डीप नेक की कटिंग करनी है आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। आपको सारी जो मेजरमेंट लेनी है वो आपको अपने नाप के अनुसार ही लेना है। तो मेरा जो भी नाप है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपका जो भी नाप है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, यानी लंबाई ब्लाउज की। तो जैसे आपका 13 इंच रेडी रहेगा, तो मेरे मेजरमेंट में 13 इंच रेडी रहेगा, तो मैं ले रही हूँ 14 इंच, यानी +1 इंच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जो हम लोग नॉर्मली डीप नेक कटिंग करने के टाइम यूज करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको क्या चेंज करने हैं ताकि जो गला उतरने का प्रॉब्लम है और जो आर्म होल का साइड में झोल आता है वो प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने ले लिया है लेंथ +1 इंच। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर हम नॉर्मली 5.5 इंच लेते हैं, तो मैं 5.5 इंच ही ले रही हूँ। उसके बाद आर्म होल लेंगे 6 इंच का। आपका जो भी मेजरमेंट है बस्ट का यानी छाती का, वो उसका आपको चौथा भाग लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में 9 इंच आएगा, तो मैंने 9 इंच ले लिया। उसके बाद यहाँ से मार्जिन आपको जितना लेना है 2 इंच तक आप आराम से ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ले लिया है। नीचे आपका कमर जितना भी रहेगा आपको उतना ले लेना है, तो मैं अपने कमर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो मेरा कमर है 30 इंच का, तो उसका चौथा भाग 7.5, और डार्ट के लिए 1 इंच यानी 1 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो ऊपर जितना मार्जिन हम लेते हैं नीचे भी आपको उतना ही मार्जिन लेना है। मार्जिन आपका हमेशा बराबर रहेगा, अगर आप बराबर मार्जिन नहीं लोगे तो आपका जो गला जो फिटिंग है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आपको मार्जिन बराबर से लेनी है, और सारे जो हमारे पॉइंट्स है उसको आपको मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने मिला लिया है सारे पॉइंट्स भी। अभी हम आर्म होल का ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बैक साइड का है हम लोगों का आर्म होल, और फ्रंट साइड यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट की गोलाई देते हैं आर्म होल का हम लोग इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो हम हमेशा जो नेक की चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा गला रहेगा, क्योंकि हम डीप नेक का बना रहे हैं तो डीप नेक के अनुसार हम यहाँ पे 10 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हम लोग जैसे ऊपर हमने 2.5 इंच लिया है, तो नीचे से हम लोग क्या करते हैं हमेशा ज्यादा लेते हैं डीप नेक में। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच ले लिया, सभी पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स मिला लिया है, अभी हम लोग क्या करेंगे हमारा जो गला है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो डीप नेक में अक्सर हम लोग इस तरह से गला ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, डीप नेक के लिए ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये जो ड्राफ्टिंग है हमारी यहीं पे गलती होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब डीप नेक हम बनाते हैं तो हमारा जो गला होता है वो थोड़ा फैला हुआ हम लोग बनाते हैं, और थोड़ा गहराई में बनाते हैं। इससे क्या होता है, जब हम लोग ब्लाउज पहनते हैं तो ये जो गला है आपकी पीठ पे और ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से आपका गला फैलता है तो यहाँ पे आर्म होल के साइड में झोल आता है। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसके लिए हम ये वाला जो मेथड है इसको हम डीप नेक में फॉलो नहीं करेंगे। यानी डीप नेक में जब भी हम कटिंग करेंगे ब्लाउज, तो ऐसा हम बिल्कुल भी ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। आपको किस तरह से ड्राफ्ट करना है अभी मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है हमने 5.5 इंच लिया था, तो आपको क्या करना है डीप नेक में, आपको जितना भी आपका बस्ट है आपको 4.5 इंच का ही शोल्डर लेना है। 4.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे। 4.5 इंच से आपको बिल्कुल भी जो गला है शोल्डर है वो आपको और कम नहीं करना है। 4.5 इंच तक आप रखोगे तो आपका गला जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच रख लिया है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा पूरी ये 1 इंच का हमारा कम हो जाता है शोल्डर। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल का।
तो आर्म होल आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर होता है उससे आपको 1/2 इंच ज्यादा लेना है। तो जैसे हमने शोल्डर लिया 4.5 इंच, तो हम 1/2 इंच करेंगे तो ये 5 इंच का आएगा। तो हम 5 इंच पे इसको मार्किंग कर देते हैं यहीं पे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर किसी का, जैसे बहुत सारे लोग जो है थोड़े हैवी पर्सन होते हैं, तो उनका आपको क्या करना है, हमने जैसे यहाँ पे 1/2 इंच लिया है तो उसका आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यानी 5.25 तक आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि काफी जो मोटे लोग होते हैं उनका क्या होता है, मोहरी जो होता है उन लोग का थोड़ा हैवी होता है, यानी मोटा होता है। तो वहां पे अगर आप कम रखोगे आपका आर्म होल, तो वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा तो वो बीच में ही अटक जाएगा, जिसकी वजह से गला उतरने की और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको उसका भी ख्याल रखना है कि अगर कोई मोटा पर्सन है आप देख रहे हो, वो आप जब मेजरमेंट लोगे किसी का तो आपको पता चल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ले। तो ये मैंने नॉर्मल है तो मैंने इसीलिए 5 इंच आर्म होल लिया है। अगर थोड़ा हैवी होता यानी मोटा होता जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा आर्म होल ले लेती, इसका भी ख्याल रखना है। फिर उसके बाद यहाँ से मिला देंगे। देखिए अभी यहाँ पे जो सारा खेल है हमारे डीप नेक में, वो आर्म होल और गले का ही होता है, शोल्डर का होता है, तो इसीलिए हम यहीं पे फोकस करेंगे, नीचे हम कुछ भी नहीं देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे अपना बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो बस्ट आपको किस तरह से लेना है, जैसे हमारा बस्ट का चौथा भाग 9 इंच आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1/2 इंच कम करके लेना है, ठीक। 1/2 इंच हमें कम क्यों करना है, क्योंकि हमारा गला फैलेगा तो ये 1/2 इंच जो है कवर कर लेगा। अगर हम 1/2 इंच डीप नेक में कम नहीं करेंगे तो हमारा जो आर्म होल साइड है, जैसे मैंने आपको बताया आर्म होल साइड में झोल आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें 1/2 इंच कम करके लेना है डीप नेक में। तो यहाँ पे अभी हमारा 8.5 हो जाता है, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अभी हम आर्म होल का ड्रॉ करेंगे यहां से, उसके बाद इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे बैक साइड का आर्म होल हुआ, और उसके बाद पीछे का जैसे 1/2 इंच मैंने बताया था आपको, वही आपको फॉलो करना है, 1/2 इंच लेके इस तरह से ले लेना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल भी बन जाता है। यहाँ पे देखिए अभी हम नेक की चौड़ाई में आते हैं, तो जैसे हमने नॉर्मली 2.5 इंच हम लेते हैं, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें कम करना है। जैसे अगर आप पाइपिंग लेते हो तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच ले सकते हो, लेकिन जैसे मैं पाइपिंग यूज नहीं करूंगी यानी नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ 2 इंच की ले रही हूँ। यहाँ पे 2 इंच लेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच लिया, तो वैसे तो हमें यहाँ पर भी 2 इंच ही लेना चाहिए, लेकिन काफी लोगों का ये होता है कि नहीं, हमें नीचे से थोड़ा थोड़ा सा हमें चौड़ाई चाहिए, तो इसके लिए हम 2.5 इंच ले लेते हैं। अगर आप 2 इंच नीचे भी लेते हो तो आपका जो गला है वो बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला है फ्रेंड्स, 100% फिक्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें आजकल थोड़ा ब्रॉड पहनना है गला डीप नेक में, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच में ही मिलाएंगे इसको, ठीक है। तो मैंने 2.5 इंच में मिला दिया है, यानी 2.5, ठीक है, इतना है मेजरमेंट 2.5 का, ये वाला है, ये वाला हमने पहले किया था। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमें गला चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे राउंड गला ही बनाना है, तो हमें इस तरह से करना है। और यहाँ पे देखिए आपको राउंड कहाँ से देना है, आपको राउंड यहां से नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल आपको ऊपर से शोल्डर से नहीं देना है राउंड, आपको थोड़ा सा नीचे लगभग 3 इंच नीचे आना है, या 3.5 इंच नीचे से ही आपको इस तरह से राउंड दे देना है, इस तरह से। और वो भी बहुत ज्यादा आपको राउंड नहीं देना है कि आप बहुत ज्यादा आप दे रहे हो, ठीक है, आपको वैसे नहीं करना है, लगभग 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जिससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ही ज्यादा देना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा दोगे तो उसकी वजह से फिर वही प्रॉब्लम आएगा, झोल आ जाएगा आमोल में, जो हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डीप नेक बना रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपका जो गला है वो फैलेगा और ये आर्म होल की तरफ झोल आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज्यादा इसको फैलाना नहीं है, जब आप पहनोगे रेडी करके ब्लाउज, तो वो ऑटोमेटिक आपका गला जो है फैल जाएगा। अभी हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी हमें डाउन करना है, लगभग 1/2 इंच तक आप डाउन कर सकते हो नेक की तरफ, आर्म होल की तरफ नहीं, नॉर्मली हम आर्म होल की तरफ डाउन करते हैं शोल्डर को,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं तो हम डाउन करेंगे इसको नेक की तरफ। तो इस तरह से हमने डाउन कर दिया है, इससे जो हमारा गला है वो बिल्कुल नहीं गिरेगा, मतलब हमारा जो आमोल उस तरफ नहीं जाएगा, हमारे गले में ही फिक्स हो जाएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करें तो इन बातों का ख्याल रखें। आई होप कि मैंने आप सबको अच्छे से समझा दिया होगा कि किस तरह से आपको डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं।